तो हमारे वोटर्स की बात करें तो एक हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम अपने पहले वोटर को फ्लावर दे के वेलकम करेंगे। तो हर हर जगह पे होगा, 500 नैतिक पोलिंग स्टेशन पे हम अपना पहला वोटर एक फूल से वेलकम करेंगे, उनको बताएंगे कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप अपना अहम रोल निभा रहे हैं। आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा, बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट्स हुए हैं हमारे 529 पोलिंग स्टेशन जो कि 513 लोकेशंस में है। हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी रैंडमाइजेशन होके, मतलब बिल्कुल रैंडम तरीके से उनको आज सुबह बताया गया कि वो किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। इसके अलावा ईवीएम्स की रैंडमाइजेशन जैसी होनी होती है पूरा प्रोसेस फॉलो करके इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की है, और आज हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही है। 30% पोलिंग पार्टीज ऑलरेडी स्टैंड डिस्पैच जो कि दूर दूर के इलाके थे, और कुछ पोलिंग पार्टीज तो पहुंच भी गई हैं और अपने पोलिंग स्टेशन तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं जैसे पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग या फिर लोगों को स्वीप एक्टिविटीज के थ्रू एक बताना कि पोलिंग वोट का क्या इंपॉर्टेंस है, देन इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनके पुख्ता इंतजाम करना, हर एक पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट, वो सारी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन प्लान का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पोलिंग पार्टीज बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी ईवीएम्स कलेक्ट कर रही हैं, अपना जो मशीनरी है, अपना जो ये स्टेशनरी है, वो सारी चीजें कलेक्ट करते हुए, सील्स, पेपर सील्स, अदर ऑल टाइप्स ऑफ सील्स, वो सारा कलेक्ट करते हुए एक बार लास्ट टाइम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन ईवीएम लेते हुए दे आर गोइंग टू देयर पोलिंग स्टेशन विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड इन पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग पर्सनल है, चाहे वो पुलिस की हो, सिविल हो या सीएपीएफ की हो, उनके वेलफेयर मेजर्स का इस बार बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। लोकसभा के चुनाव जो है होने जा रहे हैं, और खास तौर पर डोडा के अंदर तैयारियां किस तरह की है, अरेंजमेंट किस तरह की किए गए हैं, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरिंदर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कल चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग कल होने जा रही है, क्या कुछ साफ तौर पर अरेंजमेंट है और क्या कुछ सर का कहना है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। थैंक यू सर। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, चुनाव जो है कल वोटिंग होने वाली है, अरेंजमेंट किस तरह के, इस सबको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा, बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट हुए हैं हमारे 529 पोलिंग स्टेशन जो कि 513 लोकेशंस में है। हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी रैंडमाइजेशन होके, मतलब बिल्कुल रैंडम तरीके से उनको आज सुबह बताया गया कि वो किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। इसके अलावा ईवीएम्स की रैंडमाइजेशन जैसी होनी होती है पूरा प्रोसेस फॉलो करके इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की है, और आज हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही है। 30% पोलिंग पार्टीज ऑलरेडी स्टैंड डिस्पैच जो कि दूर दूर के इलाके थे, और कुछ पोलिंग पार्टीज तो पहुंच भी गई हैं और अपने पोलिंग स्टेशन तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं जैसे पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग या फिर लोगों को स्वीप एक्टिविटीज के थ्रू एक बताना कि पोलिंग वोट का क्या इंपॉर्टेंस है, देन इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनके पुख्ता इंतजाम करना, हर एक पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट, वो सारी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन प्लान का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पोलिंग पार्टीज बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी ईवीएम्स कलेक्ट कर रही हैं, अपना जो मशीनरी है, अपना जो ये स्टेशनरी है, वो सारी चीजें कलेक्ट करते हुए, सील्स, पेपर सील्स, अदर ऑल टाइप्स ऑफ सील्स, वो सारा कलेक्ट करते हुए एक बार लास्ट टाइम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन ईवीएम लेते हुए दे आर गोइंग टू देयर पोलिंग स्टेशन विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड इन पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग पर्सनल है, चाहे वो पुलिस की हो, सिविल हो या सीएपीएफ की हो, उनके वेलफेयर मेजर्स का इस बार बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। उनको जाते हुए आते हुए रिफ्रेशमेंट्स हो रही हैं, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट, उनका रहने का अरेंजमेंट, सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल रख रही है। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 10 ऐसे एरिया जो शेडो एरिया में माने जाते हैं, उन एरियाज के लिए हमने सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट्स दिए हैं, और वहां पे ट्रेंड ऑपरेटर्स को हमने स्टेशन किया है ताकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर की मदद करें। सेक्टर ऑफिसर और जोनल ऑफिसर्स के बारे में बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट 22 जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें 132 सेक्टर ऑफिसर्स हैं। ये सारे ऑफिसर्स मिलजुल के पूरे पोलिंग पर्सनल का वेलफेयर और पूरे इलेक्शन मशीनरी के लॉ एंड ऑर्डर, पूरा जो एक व्यवस्था है ढंग से चले, उस सबके इंतजाम देख रहे हैं। अगर कहीं पे कोई मशीन खराब होती है तो वहां पे पोलिंग एजेंट्स के सामने उसको चेक किया जाएगा, और पोलिंग अगर मशीन को रिप्लेस करना है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट्स को स्पेयर ईवीएम्स प्रोवाइड की गई हैं ताकि आधे घंटे के अंदर अंदर रिप्लेस होकर वोटिंग फिर से शुरू हो सके। तो आपको ओवरऑल एक जो पिक्चर मैंने बताई, इससे यही आपको मैं बता सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से तैयार है और हम वेट कर रहे हैं कि वोटर लार्ज नंबर में हमारे पास आए और वोट करें। सर जिस तरह पहले भी देखा गया था कि पहले भी इलेक्शन होते थे, कुछ ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई थी जहां पर हमेशा शोर शराबा जो है देखने को मिला, तो उन जगहों को लेकर किस तरह के अरेंजमेंट सर वहां पर इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? देखिए, जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं जहां पे पास्ट इंसिडेंसिस रहे हैं,
ऐसे हमारे 80 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे कभी किसी तरह का वॉयलेंस हुआ हो, तो उन 80 लोकेशंस और 10 हमारे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे इलेक्शंस के नजरिए से वोटिंग कम हुई है, तो ऐसे 90 लोकेशंस को हमने आइडेंटिफाई किया जहां पे हमने एडिशनल मैन पावर प्रोवाइड की है। इन सारे 90 लोकेशंस पे हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भेजा है जो कि बारीकी से नजर बनाए रखेंगे और रिपोर्ट ऑब्जर्वर साहिबान को करेंगे कि अगर वहां पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। बट आपको बताना चाहूंगा, इन सब लोकेशन के लिए जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, जो पोलिंग पर्सनल है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि वो हर एक इवेंचुअलिटी को कैटर करें। और इसके अलावा जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स है, लॉ एंड ऑर्डर टीम्स है, एसओजी की टीम्स है, वो उन एरियाज को मैन कर रही है, वहां पे पूरा सैनिटाइजेशन कर रही है कि वहां पे कोई ऐसी चीजें ना हो। बट अदरवाइज आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 साल से यहाँ पे कोई भी मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई है और पिछली 2 इलेक्शंस में कभी यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिससे इलेक्शंस हैम्पर हो। तो हम बहुत ही पॉजिटिव सेंस से इसको ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम वर्स्ट के लिए तैयार हैं। सर, जहाँ पर अभी ये वोटिंग हो रही है तो उन जगहों को लेकर खास अरेंजमेंट तो है ही है, अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए वो भी थोड़ा बताया। देखिए, हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, P1, P2, P3 रहेंगे। जो हमारा वोटर आएगा वो अपना आई कार्ड दिखाएगा, और आपको बताना चाहूंगा एपिक कार्ड इज द आई कार्ड जिसको वोटर आईडी कार्ड बोला जाता है। बट अगर हमारे कुछ लोग आईपी कार्ड नहीं भी लेके जाते हैं तो 10 तरह के कार्ड हैं, 10 तरह के आइडेंटिफिकेशन हैं जिनको प्रोड्यूस करके वो अपनी सिंपल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और अपनी जो इलेक्टोरल रोल है उससे बता सकता है कि मैं यहाँ का वोटर हूँ और उसको वोट करने दिया जाएगा। ऐसी हम किसी को परेशानी नहीं फेस करने देंगे कि अगर एपिक कार्ड नहीं है तो वोट नहीं डलेगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। एक बार उनकी चेकिंग होके जब वो अंदर जाएंगे तो उनको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे मशीन को बटन प्रेस करना है वैसा, बट सीक्रेसी ऑफ द बैलेट वुड बी इंश्योर्ड, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। हम 291 पोलिंग स्टेशन जो कि 55% है टोटल पोलिंग स्टेशन का, उनमें लाइव वेबकास्टिंग भी कर रहे हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है कि वहां पे सारी एक्टिविटीज कैसे हो रही है। इसके अलावा 90 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पे हमारी बारीकी से नजर बनी हुई है। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है कि उनको पूरा GPS ट्रैकिंग से मॉनिटर किया जा रहा है कि उनका सब ठीक रहे। पोलिंग पर्सनल की बात अगर करें तो पोलिंग पर्सनल के वेलफेयर मैंने आपको बता दिया, बट जो हमारे वोटर्स की बात करें तो एक हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम अपने पहले वोटर को फ्लावर देके वेलकम करेंगे। तो हर हर जगह पे होगा, 599 पोलिंग स्टेशन पे हम अपना पहला वोटर एक फूल से वेलकम करेंगे, उनको बताएंगे कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप अपना अहम रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने स्पेशल पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया है। ऐसे 3 हमारे वीमेन पोलिंग स्टेशन है, 3 हमारे स्पेशली एबल्ड पोलिंग स्टेशन है, 3 हमारे यूथ पोलिंग स्टेशन है और 3 हमारे फॉरेस्ट के ग्रीन पोलिंग स्टेशन हैं। तो ये 12 पोलिंग स्टेशन के अलावा हमारे मॉडल और यूनिक पोलिंग स्टेशन है जहां पे हमने खास इंतजाम किए हैं हमारे वोटर्स के लिए। बारिश का जैसा मंजर बन रहा है, बारिश हो रही है तो बारिश के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे EVMs को प्रोटेक्ट करके लेके जाना और प्रोटेक्ट करके लेके आना, उसके लिए उनकी रैपिंग्स वगैरह के अरेंजमेंट्स करके हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दे दिए हैं। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और सारी हमारी पार्टीज अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स लेके चल रही है, बट वोटर के लिए हमने खास इंतजाम किए हैं। हर एक जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वहां पे एक बूथ असिस्टेंस ग्रुप बना है जो कि हर एक वोटर की मदद करेगा, उनको अम्ब्रेलास प्रोवाइड करेगा, उनके लिए अगर बारिश ज्यादा हो रही है या फिर अगर भीड़ ज्यादा है तो उनके लिए रूम्स और गैलरीज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे उनको बिठाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हमारे कोई बुजुर्ग हैं, कोई स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको घर से लाके घर वापस छोड़ने के लिए हमारे वॉलंटियर्स तैयार हैं। सर, बहुत सारे लोगों को टाइम का पता नहीं है, सुबह से शुरुआत कितने बजे से, वो भी थोड़ा बताएं। देखिए, हमारी इलेक्शन जो सुबह फॉर्मली शुरू होगी वो सुबह 7 बजे शुरू होगी और ये 11 घंटे चल के शाम को 6 बजे क्लोज होगी। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है लोग अपने दिनचर्या के काम करते हुए बीच में आधा घंटा अपना यूटिलाइज करके इलेक्शन में अपना कीमती वोट दायर करें और इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में जो उन्होंने आज तक अपना एक रोल निभाया उसको कंटिन्यू। सर, इसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है शशि की तरफ से बहुत सारे किए गए, तो क्या लगता है इस बार लोग जो है बढ़ के सामने आएंगे और अपना वोट जो है यहाँ पर कास्ट करेंगे? देखिए, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो हमारे लोग हैं
वो लार्ज नंबर्स में आएंगे और अपना कीमती मतदान करेंगे। और इसके लिए हमने अलग अलग तरह के इंतजाम किए थे। एक पैन डिस्ट्रिक्ट इंतजाम किए गए थे कि लोगों को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई, उनके घरों पे ईवीएम्स को भेजा गया, मतलब उनके बाहर कॉमन प्लेसेस पे, वहां पे ट्रेनिंग ईवीएम्स के जरिए उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई, उनको एक कॉन्फिडेंस जगाया गया हमारी इलेक्शन मैकेनिज्म पे। इसके अलावा जगह जगह हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, इलेक्शंस के हुए, आपने देखा होगा हमने विंटर फेस्टिवल किए, चाहे वो भद्रवाह में किया हो, जुंतरून में किया हो, या लालद्रमन में किया हो, वहां पे भी लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी, इलेक्शन के प्लेजेस लिए गए। इसके अलावा हमारे 25 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पे 50% से कम वोटिंग रही है, तो उन 25 पोलिंग स्टेशन को हमने स्पेशली एम्फसिस किया है कि वहां पे हमारी टीम्स जाएं, ग्राम सभाएं करें, लोगों से मुलाकात करें। ऐसी ही एक टीम हमारी डटकई में गई थी जहां पे हमारे स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के काफी लोग बसते हैं, क्योंकि वहां पे जेनेटिकली हमारे लोग बोल और सुन नहीं पाते हैं, कई एक मेजर सेक्शन है ऐसा सोसाइटी का, तो उनको साइन लैंग्वेज से बताया गया कि उनकी वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसकी वीडियोज आपने देखा होगा मीडिया में काफी वायरल भी हो रही है और इसकी नेशनल कवरेज भी हुई है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने लोगों को एक उत्सुकता जगाने में, लोगों को बताने में कि उनका वोट कितना कीमती है, हर एक वोट कितना कीमती है। तो अब मेरी उम्मीद रहेगी कि इलेक्शंस में मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, अपना कीमती वोट जरूर दर्ज करें, और हमने अपने तमाम तहसीलदार बीडीओस को डायरेक्शंस दी हैं कि वो टाइम टू टाइम हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में अनाउंसमेंट करवाते रहें कि हमारी वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग को इतने घंटे हो चुके हैं, इतने घंटे बचे हैं, प्लीज अपना कीमती वोट अपना जरूर दायर करें। तो इसे हम लोगों को उत्सुकता और जागरूकता बनाए रखेंगे। फिर उसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो मुश्किल होता है बाहर निकलना, भीड़ में खड़े रहना, तो उन सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर किस तरह के रहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लिया था, जिसमें जो हमारे 85 प्लस कम्युनिटी है, जिनकी एज 85 प्लस है, या फिर हमारे स्पेशल एबल लोग विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, या फिर हमारे ऐसे लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उनको हमने होम वोटिंग का ऑप्शन दिया था, और ऐसे 184 केसेस हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पे लोग उनके घरों पे गए, हमारी टीम्स उनके घर जाके सीक्रेसी से बैलेट पेपर पे उनके वोट मतदान करवाया। बट जो लोग हमारे इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, उन लोगों से मेरी एक अपील रहेगी, आप लोगों के लिए बूथ असिस्टेंस ग्रुप इसीलिए प्रोवाइड की गई है और उनका जो नंबर है कंसर्न बीएलओ के पास है, हमारे वॉलंटियर्स इनके कांटेक्ट में रहेंगे, हमारे एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स रहेंगे, वो इन लोगों की मदद करेंगे, इनको पोलिंग स्टेशन तक लाना, वापस ले जाना। हर एक पोलिंग स्टेशन पे व्हीलचेयर्स का ऑप्शन भी रखा गया है ताकि हमारे जो भी ऐसे लोग हैं उनकी मदद की जाए। ओवरऑल मैसेज कह रहे हैं पूरी आवाम के लिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 5 साल में एक बार ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल आता है, इस फेस्टिवल में सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, अब हमारा सारा दारोमदार हमारी पब्लिक पे है कि वो आके इस फेस्टिवल में हमारा कोलैबोरेशन करें, और इस फेस्टिवल में मे द बेस्ट वन विंस और मे द डेमोक्रेसी प्रिवेल्स। आप सबका एक एक कीमती वोट डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल के लिए सत्ता कौन संभालेगा, आपके लिए डिसीजन कौन लेगा, आपकी सुनवाई कौन करेगा, और देश को नई दिशा में लेके जाने का काम कौन करेगा।